नमस्कार, स्वागत है आपका ईएन हिंदी पर। आज है 9 मई 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूले। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। नॉन आईटीआई कर्मचारियों को अब 7 साल में प्रमोशन, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिया तोहफा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश विद्युत बोर्ड सब स्टेशन अटेंडेंट के पद पर कार्यरत नॉन आईटीआई कर्मचारियों के लिए पदोन्नति सेवा काल को 10 वर्ष से घटाकर 7 वर्ष करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि टीम 8 पद से जूनियर सब को हटाने के विषय पर विचार विमर्श के उपरांत निर्णय लिया जाएगा मुख्यमंत्री बद्दी में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड तकनीकी कर्मचारी संघ के 9वें त्रैवार्षिक साधारण अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे। पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले में 7 और गिरफ्तार, 3 हिरासत में। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा के पेपर लीक मामले में पुलिस ने रविवार को 7 और लोगों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा हमीरपुर पुलिस ने जिले के गांव बटरान से बाप बेटे समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया है। इनमें एक अभ्यर्थी के नकल में संलिप्त होने और उसके पिता व एक अन्य व्यक्ति पर उसकी मदद करने का शक है। मामले में अब तक 13 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनमें से दो के नामों का खुलासा अभी नहीं हो पाया है। वहीं राज्य सीआईडी ने थाना भराड़ी शिमला में 3 लोगों के खिलाफ धारा 420 और 120B के तहत FIR दर्ज की है। इससे पहले पुलिस ने जिला कांगड़ा के गगल थाने में 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की थी। धर्मशाला विधानसभा परिसर के बाहर खालिस्तानी बैनर लगाने के मामले में पन्नू पर UAP के तहत मामला दर्ज। धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश विधानसभा परिसर के मुख्य द्वार और दीवारों पर खालिस्तान झंडे लगाए जाने के मामले में सेख फोर जस्टिस के प्रमुख गुरुपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ आतंकवाद विरोधी कानून और अन्य दंडात्मक अपराधों के तहत मामला दर्ज किया गया है। हिमाचल और अन्य पड़ोसी राज्यों के कुछ हिस्सों में खालिस्तान समर्थक गतिविधि और 6 जून को खालिस्तान जनमत संग्रह दिवस के रूप में घोषित करने के बीच DGP संजय कुंडू ने प्रदेश की सीमा को सील करने और संवेदनशील और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर सुरक्षा कड़ी करने का आदेश दिया है। नाहन के माजरा में बनेगा एस्ट्रो टर्फ हॉकी मैदान, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया शिलान्यास। केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि खेलों में हिमाचल प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने रविवार को नाहन विधानसभा क्षेत्र के माजरा में करीब 7,50,00,000 रुपए की लागत से बनने जा रहे एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान का शिलान्यास किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में खेलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ढांचा तैयार किया जा रहा है ताकि खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल के कार्यकाल में केंद्र सरकार ने देश भर में करीब 450 नए कोच नियुक्त किए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, धर्मशाला विधानसभा परिसर में खालिस्तानी झंडा लगाने वाले जल्द होंगे गिरफ्तार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि धर्मशाला विधानसभा परिसर की दीवार पर खालिस्तान के झंडे लगाने वाले जल्द गिरफ्तार होंगे। पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है। सरकार ने इस मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया है। सोलन के बसाल हेलीपैड पर पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि कुछ लोग हिमाचल में माहौल को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसमें उन्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। मुकेश अग्निहोत्री बोले, लैंड सेलिंग एक्ट में बदलाव किए बिना धन सेटों को हिमाचल बेचने में लगी है जयराम सरकार। हिमाचल की जयराम सरकार धन सेटों की सरकार है और धन सेटों को हिमाचल बेचने के बार बार प्रयास जयराम सरकार कर रही है। पहले पर्यटन विभाग के होटल बेचने में लगी हुई जयराम सरकार अब लैंड सेलिंग एक्ट में बदलाव किए बिना, विधानसभा में मामला पहुंचाए बिना और राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना होटल रिजोर्ट को जमीनों बाबत छूट देने की तैयारी कर रही है। ये बात जिला मुख्यालय पर पत्रकार वार्ता करते हुए नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, काम करने की बजाय शिलान्यास में व्यस्त रही पूर्व कांग्रेस सरकार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने नई योजनाओं एवं कार्यक्रमों को शुरू करने की बजाय शिलान्यास करने में व्यस्त रही। उन्होंने कहा कि जब प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी तो ठप पड़े विकास कार्यों को आरंभ किया गया। उन्होंने कहा कि आज भाजपा सरकार मिशन रिपीट के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। जयराम ठाकुर यहाँ होटल पेट रॉब में भाजपा राज्य मीडिया कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। HRDC पेंशनरों की मांगे नहीं मानी तो चुनाव में दबाएंगे नोटा। हिमाचल प्रदेश राज्य पथ परिवहन निगम पेंशनर कल्याण संगठन ने कहा है कि निगम प्रबंधन और सरकार हजारों सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाए।
ये अपेक्षा जारी रही तो अब उन्हें मजबूरन आंदोलन के लिए विवश होना पड़ेगा। सरकार ने अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो विधानसभा चुनाव में पेंशनर नोटा का बटन दबाने से पीछे नहीं हटेंगे। पेंशनर कल्याण संगठन के प्रधान सत्यप्रकाश शर्मा ने कहा कि निगम प्रशासन और सरकार उनकी मांगों को लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने प्रदेश सरकार को चेताया कि पेंशनरों की अनदेखी विधानसभा चुनाव में सरकार पर भारी पड़ सकती है। भाजपा सम्मेलन के लिए धर्मशाला आएंगे राहुल द्रविड़ और बबीता फोगाट। भारतीय क्रिकेट टीम की दीवार कहे जाने वाले क्रिकेटर राहुल द्रविड़ धर्मशाला आएंगे। उनके साथ पहलवान बबीता फोगाट भी मौजूद रहेगी। इसके अलावा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित अन्य कई राष्ट्रीय नेता धर्मशाला में होने वाले बाजीउम्मा के 3 दिवसीय सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। लाहौल स्पीति के दाचा ले और सिंकुला मार्ग पर दोपहर 3 बजे तक दौड़ेंगे वाहन। मनाली ले मार्ग पर HRDC की बस सेवा अभी तक शुरू नहीं हुई है। सामरिक मार्ग पर पिछले कई दिनों से छोटे वाहनों के साथ ओड एवन फॉर्मूले पर ट्रकों की आवाजाही हो रही है। ट्रकों की आवाजाही के लिए अभी कुछ और दिन तक ओड एवन सिस्टम जारी रहेगा। रविवार से जिला प्रशासन ने दारचा से ले और सिंकुला की तरफ जाने वाले वाहनों की समय सारणी में बदलाव किया है। पहले दोपहर 1 बजे तक ही आवाजाही करने की अनुमति थी, लेकिन अभी इसे बदलकर दोपहर 3 बजे तक बढ़ाया गया है। सम संख्या वाली तारीख को मनाली से ले के लिए ट्रकों को भेजा जाएगा और विषम संख्या वाली तिथि को ले से मनाली की तरफ आएंगे। कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, विक्रमादित्य बोले पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द करने की शाम को मंत्री और DGP ने डाली नाटी। शिमला ग्रामीण से कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होता है, परीक्षा रद्द होती है, उसी रोज शाम को भाजपा के एक मंत्री और DGP नाटी डालती है। इससे स्पष्ट है कि सरकार और अफसर कितने गंभीर है। उन्होंने सरकार से अराजकता फैलाने की हो रही कोशिशों को नाकाम करने के लिए कदम उठाने और ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की मांग की है। यदि प्रदेश की पुलिस इसमें सक्षम नहीं है तो इसकी CBI या NIU से जांच करवाई जाए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में आउटसोर्स पर रख के कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित करने के लिए हरियाणा की तर्ज पर कौशल विकास निगम का गठन किया जाएगा। इससे आउटसोर्स पर काम करने वाले कर्मचारियों की नौकरी काफी हद तक सुरक्षित हो जाएगी। बद्दी में विद्युत बोर्ड के तकनीकी कर्मचारियों के वार्षिक अधिवेशन समारोह में मुख्यमंत्री ने ये बात कही है। उन्होंने पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर कहा है कि मुख्य सचिव को इसे बहाल करने के लिए बीच का रास्ता खोजने के लिए कहा है। कुछ राज्यों ने बिना सोचे समझे इस पर घोषणा तो कर दी, लेकिन अब उनके गले की फांस बनी हुई है, इसलिए वे पूरी तरह से पक्का काम करेंगे। अनुराग ठाकुर बोले हिमाचल में जहाँ जहाँ जमीन मिलेगी वहाँ बनेंगे क्रिकेट स्टेडियम। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि अगर प्रदेश सरकार जहाँ पर भी जमीन दे वहाँ पर क्रिकेट स्टेडियमों का निर्माण किया जाएगा। नान के माजरा में हॉकी एस्ट्रोटर्फ के शिलान्यास के बाद अनुराग ठाकुर ने कहा कि टर्फ का निर्माण जल्द से जल्द किया जाएगा। यहाँ खिलाड़ियों के लिए हॉस्टल भी खोला जाएगा। खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए हर 3 महीने में 1 हफ्ते के लिए देश का बेहतर कोच यहाँ सेवाएं देगा। इसके अलावा पोंटा साहिब इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। केंद्र सरकार ने महज 1 साल की अवधि में देश भर में 450 कोच नियुक्त किए हैं। अब इलेक्ट्रिक बस से करे रोहतांग दर्रे की सैर, HRTC ने चलाई 3 बसें। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल रोहतांग दर्रे के लिए ऑनलाइन परमिट ना मिले तो परेशान ना हो। प्रदेश सरकार ने रोहतांग जाने वाले पर्यटकों के लिए इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू कर दी है। पर्यटक HRTC में अपनी एडवांस बुकिंग करवाकर 600 रुपए प्रति सीट रोहतांग घूम सकती है। सुबह 8, 8:30 और 9 बजे HRTC के मनाली बस स्टैंड से बसें रवाना होगी। हालांकि शुरुआती दिनों में HRTC ने रोहतांग के लिए 3 ही बसें शुरू की है, लेकिन डिमांड आने पर संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी। दिल्ली चंडीगढ़ से ज्यादा हिमाचल का ऊना गर्म, 40 डिग्री पहुंचा तापमान, प्रचंड गर्मी ने छुड़ाए लोगों के पसीने। हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगातार खिल रही धूप से तापमान में फिर बढ़ोतरी होने लगी है। आलम यह है कि ऊना जिला दिल्ली और चंडीगढ़ से भी ज्यादा गर्म है। बारिश के बाद ऊना जिला में तापमान जहां 31 डिग्री तक गिर गया था तो वहीं अब बढ़कर 40 डिग्री के करीब जा पहुंचा है। रविवार को ऊना जिले में अधिकतम तापमान 39.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वहीं दिल्ली में अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। आपकी नकल कर रही है सरकार, कार्यकर्ता सम्मेलन में गरजे सत्येंद्र जैन। सरकार में आम आदमी पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री और हिमाचल में पार्टी प्रभारी सत्येंद्र जैन ने भाजपा और कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए कहा कि अब हिमाचल में केजरीवाल असली डॉक्टर आ गया है, अब इन नालायक डॉक्टरों को जनता धक्का देकर बाहर कर देगी। सत्येंद्र जैन देहरा के मरेड़ा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की वर्तमान सरकार केजरीवाल की नकल कर रही है।
आप सरकार ने पंजाब में 300 यूनिट बिजली माफ किए तो हिमाचल सरकार ने भी 125 यूनिट बिजली माफ करने की घोषणा कर चुनावी स्टंट खेल दिया है। यदि भाजपा की डबल इंजन सरकार नकल कर रही है तो भाजपा शासित अन्य राज्यों में भी बिजली माफ करे, लेकिन वहाँ इसलिए माफ नहीं करेंगी क्योंकि वहाँ चुनाव नहीं है।